24R न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। सबसे तेज खबर पाने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। यूपी के चंदौली में नागरिकता संशोधन बिल पास होने के खिलाफ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने संविधान निर्माता बाबा भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा के समक्ष बैठकर धरना प्रदर्शन करते हुए विरोध किया है। वहीं धरने में निवर्तमान शहर अध्यक्ष रामजी गुप्ता ने कहा है कि भाजपा देश में आरएसएस का संविधान लागू कर रही है, वहीं देश के लिए विभाजनकारी है। नागरिकता संशोधन बिल भारत के संविधान की मूल आत्मा के खिलाफ है। यह बिल बराबरी नहीं बंटवारे की बात करता है, जो भारत के गौरवशाली इतिहास पर बदनुमा धब्बा है। भाजपा की महंगाई, बलात्कार, बेरोजगारी, अपराध सहित हर मुद्दे पर किरकिरी हो रही है। वहीं इन मुद्दों से भटकाने के लिए भाजपा आए दिन जनता को गुमराह करने के लिए कोई ना कोई धार्मिक कानून पेश कर देश को गर्त में ले जाने का कार्य कर रही है। हम लोग कल भाजपा सरकार द्वारा नागरिकता संशोधन बिल पास किया गया है, उसके विरोध में अम्बेडकर जी के प्रतिमा के नीचे बैठकर धरना दिए और उनके द्वारा पास किए गए बिल को हम लोगों ने जलाया है और विरोध दर्ज कराया है कि यह कानून देश को बांटने का कानून है, इसे जो है वापस लिया जाना चाहिए।